बहुत पास दिख रहा है यार। और गाइज बचपन में कभी ना कभी तो आपने इस चीज़ को ज़रूर से यूज़ किया होगा, मेले वगैरह में बहुत मिलती है इस तरीके की दूरबीन, मैंने तो बहुत खरीदी है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस दूरबीन के अंदर क्या होता है। और ये वाली जो बाइनोकुलर है ये एक्चुअली थोड़ी सी एडवांस है, जो मेले में मिलती है वो थोड़ी सस्ती वाली होती है, लेकिन ये जो है काफ़ी दूर की चीज़ को पास दिखाती है, 1000 मीटर की चीज़ को 100 मीटर पर दिखाती है, यानी कि 10 गुना पास दिखाती है। तो इसको खोल करके देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा पैसे कमाने के बहुत ही आसान तरीके के बारे में जिसका नाम है बाइनोमो। कुछ नहीं करना, सिर्फ इस ग्राफ के अंदर प्रिडिक्शन करना है ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा क्योंकि ये ऊपर ऊपर चल रहा है, तो देखते हैं जैसे जैसे टाइम निकलता है क्या होता है। थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, सिर्फ 30 सेकंड का, और अगर हमारा प्रिडिक्शन सही होता है तो हमें काफ़ी बढ़िया पैसा मिलेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ग्राफ फिनिश होने वाला है, और फाइनली आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो नीचे फिनिश हुआ है, और हमने $100 इन्वेस्ट करके पूरे $178 अर्न कर लिए हैं। अगर आप भी इसी तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से बाइनोमो को चेकआउट कीजिए। तो शुरू करते हैं फटाफट से आज की वीडियो को। तो भाई आपको दिखाते हैं कि कितना जूम ये कर सकता है। आपको वहाँ पर वो जो बिल्डिंग है वो दिख रही होगी जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो इसको कोशिश करते हैं इसके थ्रू देखने की। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये टावर दिख रहा है, जबकि ये बहुत दूर है और मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये हिल रहा है। तो इसको हटाते हैं और आप फिर से देखिए कितना ज़्यादा ये दूर है। तो गाइस हम आ गए हैं अंदर हमारी दूरबीन के साथ में, और इसको खोलने के लिए एकदम तैयार हैं। यहाँ से इसका फोकस होता है जब हम इसको घुमाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो लेंसेस हैं ये बाहर अंदर आता है जिससे कि फोकस होता है। खोलने के लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके के पेपर कटर का। तो मुझे नहीं पता कि ये किस साइड से खुलने वाला है, थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा इसको, और शायद कुछ तो बाहर आ रहा है। इसका पीछे वाला हिस्सा आ गया जबकि मैं खोल रहा था आगे वाले हिस्से को, और ये जो हिस्सा है ना काफ़ी फंसा हुआ है इसके अंदर, और मुझे अंदर कुछ ऑयल वगैरह भी दिख रहा है जिससे कि आराम से घूम सके। तो भाई इसको तो शायद काटना ही पड़ेगा, हमें ऐसे खुल नहीं रहा। और अब तो भाई लेंस को बाहर आना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो है लेंस आपको भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको बाहर कैसे निकालेंगे। गाइज आईपीस हटाने के बाद में यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और ये इसकी प्रिज्म होनी चाहिए क्योंकि जो प्रिज्म होता है वही इमेज को सीधा करता है। तो खोलने के बाद में इसमें पक्का प्रिज्म तो मिलने वाला है, बट ये जो है खुलेगा नहीं यहाँ से, इसको शायद काटना पड़ेगा हमें। और फाइनली जो प्रिज्म है भाई, जो कमाल की चीज़ है, वो यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। और इसके अंदर तो इसके अलावा कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि एक नहीं यहाँ पर दो प्रिज्म है। प्रिज्म दोस्तों बेसिकली एक कांच का टुकड़ा होता है जो कि लाइट को अपने हिसाब से जो है घुमा देता है। तो इनको बाहर निकालते हैं, और यहाँ पर जो एक प्रिज्म है वो बाहर आ गई है, और शायद ऐसे ही ये दूसरी भी निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमें तोड़ना पड़ेगा इसको। और फाइनली जो दोनों प्रिज्म हैं वो बाहर आ चुकी हैं। इनका जो शेप है वो आप देख सकते हैं एकदम अजीब सा ही है। इसके जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके फेसेस हैं, और इस वाले के जो हैं 4 हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी बॉल भी निकली है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं स्टील वाली जो बॉल होती है, बियरिंग वाली। तो भाई फाइनली यहाँ पर है इस दूरबीन का जो आईपीस होता है जिसमें हम आँख डाल करके देखते हैं। साथ में यहाँ पर इसके अंदर कुछ प्रिज्म निकली हैं दो इस तरीके की, आप देखिए इसका जो शेप है, और इसका शेप थोड़ा सा अलग है दोनों का। साथ ही साथ में एक लंबी सी इस तरीके की पाइप है जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें फिट होती हैं। लगभग यहाँ पर जो प्रिज्म है वो लगी होती है, और पीछे की तरफ एक लेंस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा जो असेंबली है मिल करके बनाता है इस दूरबीन को, और कुछ छोटी छोटी बॉल बियरिंग भी यहाँ पर निकली हैं। तो कुल मिलाकर के यही है इसके अंदर। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि आप कोई भी मस्त वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।